हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मुंह के दुर्गंध का एक केस, जिसको मैंने एक सिंगल दवाई से ठीक किया था। इससे पहले मैंने डाला है मुँह का दुर्गंध और उसका होम्योपैथिक इलाज पर मेरा अलग से वीडियो है। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये वीडियो इसको मैंने छोटा सा बनाया है। इसमें मैंने एक मेडिसिन दे करके उसको ठीक किया था। और इसका मकसद ये है कि आप अगर आपके मुंह में दुर्गंध आ रहा हो तो घबराएं नहीं, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं। और एकदम ये कई बार इतनी सरलता से होम्योपैथी के मदद से ठीक हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक 50 वर्षीय व्यक्ति का मामला आया, शरीर थोड़ा सा मोटा थुलथुल, बीपी और शुगर से प्रभावित, और तकरीबन 7-8 वर्ष पहले उनके गाल में एक जख्म हुआ था और बहुत वो चिंतित रहा करते थे। जख्म में मैंने सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ दी, बेलाडोना और फिर मार्कसोल, उसके बाद फिर लैकेसिस, फिर थूजा, तो इन सब दवाइयों से वो बहुत कंट्रोल हो गया। लेकिन 8 वर्ष के बाद फिर जो है वो थोड़ा सा जग गया। तो इसमें मैंने, और उनको आशंका बहुत हो रही थी, तो मैंने इस मामले में एक खुराक कार्सिनोसिन दे दिया 200 पावर में, और फिर 15 दिन तक कोई दवाई नहीं दिया। कुछ तो कमी आई, लेकिन फिर उनको मतलब लग रहा था जैसे कि मुंह से दुर्गंध आ रहा हो। तो मैंने प्रॉपर केस का स्टडी किया, मैंने देखा कि क्या कारण हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कई बार होम्योपैथी में केस का हिस्ट्री लेना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि मतलब ये जो पेशेंट है हमारा वो कौन मियाज्म से सफ़र कर रहा है। तो मियाज्म होम्योपैथी में के हिसाब से कोई भी जो बीमारी होता है उसका 3 ही कारण होता है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। और होम्योपैथ का एक और मंत्र है कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो बीमार का इलाज करें, बीमारी का नहीं। तो इस हिसाब से आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो कुछ आनुषंगिक उपायियां हैं, सब्सिडरी जो मतलब हुए हैं, उस सबको भी ध्यान में रखें। तो इस मामले में भी मैंने वही किया, मैंने देखा कि पेशेंट का मियाज्म कौन सा है, उसका डर कैसा है, उसके ब्रेन में थिंकिंग कैसा चल रहा है, उसका थिंकिंग पॉजिटिव है या निगेटिव है, या फिर उसके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है कि नहीं है, या फिर कुछ असुरक्षा की भावना है कि नहीं है। फिर मैंने उसके पसीना पर गौर किया, फिर पेशाब पर गौर किया, फिर उसके कंस्टिपेशन पर ध्यान दिया, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान दिया। और इस सब बातों पर ध्यान देने के बाद मैंने दवाई सेलेक्ट किया एसिड नाइट्रिकम, क्योंकि पेशाब में भी थोड़ी सी बदबू थी और मियाज्म के हिसाब से वो पेशेंट जो था वो मतलब सिफिलिटिक नेचर का था। और एसिड नाइट्रिकम के मामले में हम समझ सकते हैं कि ट्राइमियाजमेटिक मेडिसिन है, तो मतलब एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक और एंटीसाइकोटिक भी। और उसका एक अन्य लक्षण है जांग भारी होना। तो एसिड नाइट्रिकम 30 पावर में मैंने 5 मिनट के अंतर से 2 खुराक दिया, फिर 1 सप्ताह तक कोई दवा नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने 200 पावर में 1 खुराक एसिड नाइट्रिकम दिया, और इस तरह से एसिड नाइट्रिकम के प्रयोग से ये केस पूरी तरह ठीक हो गया। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही उपयोगी दवाई है एसिड नाइट्रिकम। ज़रूरत है इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करने का। तो ये मुंह का ही जख्म नहीं बल्कि और बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करता है, पसीना का, ब्रेन फेग का, कमजोरी का और पाइल्स का। तो इन लक्षणों के आधार पर हम एसिड नाइट्रिकम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो ऑफेंसिव जो है सांस हमारा ऑफेंसिव, तो एसिड नाइट्रिकम सिर्फ इसी का दवा नहीं है कि मुंह से जो बदबू आ रहा है या मतलब सांस में बदबू है उसी की दवाई नहीं है ये। बहुत सारे बीमारी में ये दवाई दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम एक चीज़ को स्पेसिफिक होम्योपैथी में नहीं माने, इंडिविजुअल ये ट्रीटमेंट है। तो उसको स्टडी करके अगर ठीक से हम देते हैं तो कई बार चमत्कार जैसा अनुभव होता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, एसिड नाइट्रिकम 30 पावर में और 200 पावर में ये जो मुंह की बदबू थी भयानक, उस समाप्त हो गई।